बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। अगर येलो है तो व्हाइट 100% हो जाता है। कि डॉक्टर रोहित राज के पास ऐसी कौन सी डिग्री है जो बाकी लोगों के पास नहीं है? आखिर ब्रश कितना देर करना चाहिए? मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। आजकल लोग दांतों के दर्द से, दांतों की झंझनाहट से और दांतों में हो रहे अन्य बीमारियों से परेशान हैं। कम उम्र में ही दांतों में दर्द होने लगती है, दांत में पीलापन आ जाती है और दांत झंझनाने लगता है। आखिर ये तमाम बीमारी जो है क्यों होता है और इसका उपचार क्या है, इसी पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं जहानाबाद के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर रोहित राज के पास और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दांतों में झंझनाहट क्यों होती है, दांत में दर्द क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले बिहार लाइव 7 के खास पेशकश जो है, खास कार्यक्रम है डॉक्टर साहब की बात उसमें, और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि दांतों में दर्द आखिर होता क्यों है? विक्रम जी, दांतों में दर्द कोई एक कारण से तो नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं दांतों में दर्द। दांतों में दर्द का बहुत सारा कारण होता है, कोई एक कारण मैं या कोई भी डेंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता है। दांतों में सड़न है तो दांतों में दर्द हो सकती है, दांत घिस गया है ज़्यादा ब्रश करने से या फिर ब्रशिंग टेक्निक अच्छा नहीं है उसके वजह से दर्द और कनकनाहट हो सकता है। TMJ प्रॉब्लम, जैसे जबड़े में प्रॉब्लम, चबाने में प्रॉब्लम, नकली दांत लगा है कहीं, डॉक्टर ने गलत दांत लगा दिया है और वो बैठ नहीं रहा है, तो फिर दांतों में भी प्रॉब्लम, दांतों में दर्द हो सकती है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस जब पेशेंट आते हैं तो दर्द किस कारण से होता है वो हम लोग डेंटिस्ट लोग डायग्नोस करते हैं, एक्सरे करते हैं और इंट्राओरल चेक करते हैं, तब समझ में आता है कि किस कारण से किस पेशेंट को दर्द है। हर पेशेंट का कोई ना कोई अलग अलग कारण से दर्द हो सकता है। अच्छा, ये जो झंझनाहट होती है दांतों में, सबसे ज़्यादा आजकल जो है झंझनाहट से लोग परेशान हैं, तो ये झंझनाहट किन किन कारणों से होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, हमारे दांतों में बहुत सारा लेयर होता है, जैसे ऊपर में इनैमल होता है, सेकंड लेयर डेंटिन होता है, फिर पल्प होता है, ऐसे ही। तो हम लोग जब ब्रश करते हैं तो आज के डेट में बहुत सारा, मैंने जब भी मैंने लोगों से पूछा है तो बोलते हैं कि हाँ मैं 5 मिनट ब्रश करता हूँ, 10 मिनट ब्रश करता हूँ। तो सबसे बड़ा दिक्कत आज के डेट में मुझे समझ में आया है लोगों से पूछ पूछ के कि लोग बहुत ज़्यादा ब्रश करते हैं, ब्रशिंग टेक्निक ही नहीं मालूम है और ब्रश कितना देर करना चाहिए वो ही नहीं मालूम है। तो ज़्यादा रगड़ने से, ज़्यादा घिसन से भी दांत घिस जाता है, बस दूसरा लेयर आ जाता है जो मैंने बताया आपको, इनैमल होता है फिर डेंटिन होता है, तो सेकंड लेयर जैसे ही आ जाता है ज़्यादा घिसन के वजह से, उसके वजह से दांत जो है घिस जाता है, तो दांत में कनकनाहट शुरू हो जाती है। और भी कुछ कारण है जिसके वजह से कनकनाहट होती है, लेकिन मुख्यतः कारण यही है कि ज़्यादा ब्रश करने से। डॉक्टर साहब, आप लगातार जो है कह रहे हैं कि ज़्यादा ब्रश के वजह से सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या हो रही है, तो आखिर ब्रश कितना देर करना चाहिए? मैक्सिमम 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1.5 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और जो दातून लोग करते हैं घंटों घंटा, गाँव वाले लोग, मतलब एक बार दातून लेके निकले तो जब तक घर नहीं लौट रहे तब तक वो दातून कोई भी डेंटिस्ट प्रेफर नहीं करेंगे और किसी को भी सलाह नहीं देंगे कि दातून यूज करें। अच्छा, ये जो दांत में पीलापन होती है, पीलापन क्यों होता है? फिर पीलापन का भी एक कोई खास वजह नहीं है, फिर पेशेंट को डायग्नोस करेंगे, पेशेंट हमारे क्लिनिक में आएगा तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुटखा खा रहा है, बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं, हर पेशेंट का अलग अलग कारण है पीला दांत होने का। तो वो जब पेशेंट आते हैं तो हम लोग डायग्नोस करते हैं कि आपका स्मोकिंग के वजह से है, गुटखा के वजह से है, पानी जो आप चेंज कर रहे हैं, कभी यहाँ पानी, कभी स्टेट चेंज कर रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहे हैं, तो इधर उधर चेंज हो रहा है तो पानी भी चेंज हो रहा है, तो पानी के वजह से भी दांत का कलर डिस्कलर होता है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं। दांत को जो है पीला से वाइट करने के लिए पॉलिश होती है, ब्लीच होती है, तो क्या आप भी करते हैं और आपके यहाँ कितने देर में ये जो है पीला दांत वाइट दांत बन जाते हैं? दांत अगर आपका येलो है और उसको आप चाह रहे हैं कि वाइट करे, चमका ले और दूसरा कलर ले आए, जो कि लोगों को देखते हैं अमूमन, दूसरे लोग को देखते हैं कि दांत चमक रहा है, तो वैसा अगर चाहते हैं तो पॉलिशिंग होता है, ब्लीचिंग होता है, वो सिटिंग होती है, कम से कम 3-4 सिटिंग होती है, 1/2 आवर का ड्यूरेशन होता है, और 3-4 सिटिंग में दांत आपका एक कलर से दूसरे शेड में वो 100% आ जाता है। क्या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है? नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, पर सिटिंग इसकी खर्च लगभग 1,000 से 1,500 खर्च होती है, और आपके पीला से दांत अगर येलो है तो वाइट 100% हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ जो मरीज आते हैं वो जब जाते हुए रहते हैं या फिर कोई आपके स्टाफ से मिलते हैं
तो बताया जाता है कि डॉक्टर साहब के पास ये डिग्री है, ये डिग्री है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जहानाबाद में सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, मतलब हम नहीं, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर रोहित राज के पास ऐसी कौन सी डिग्री है जो बाकी लोगों के पास नहीं है, जो जहानाबाद में भी डेंटल है। देखिए, ऐसी कोई अलग बात नहीं है कि जो और सभी के पास नहीं है, मेरे पास है, ऐसा कुछ ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना चाहिए। जैसे हर डिपार्टमेंट में, हर एजुकेशन में, हर फील्ड में मास्टर डिग्री होता है। जैसे बीबीए कर रहे हैं तो एमबीए करना होता है, मास्टर डिग्री। बीए कर रहे हैं तो एमए होता है, एमबीबीएस हैं तो फिर वो एमएस करते हैं या एमडी करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे डेंटल में भी बीडीएस होता है, उसके बाद एमडीएस होता है, वो 3 साल का कोर्स होता है। बीडीएस जो होता है वो 5 साल का कोर्स होता है। तो मैंने एमडीएस कर रखा है, और चूंकि जैसा आपने क्वेश्चन पूछा तो सिर्फ मैंने ही एमडीएस कर रखा है जहानाबाद में, बाकी सभी हैं, सब जानकार हैं, हाँ सभी डॉक्टर अच्छे हैं। लेकिन डिग्री के बारे में आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने एमडीएस कर रखा है, और बाकी सब ने बीडीएस कर रखा है, लेकिन सभी लोग अच्छे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी जो कोर्स है वो एक, मतलब 3 साल अधिक आप पढ़ाई। जी जी, वही बीडीएस 5 साल की, जो कि सभी लोगों ने किया है। एमडीएस होती है वो 3 साल एक्स्ट्रा होता है, तो वो 3 साल हमने एक्स्ट्रा। इससे आम लोगों को क्या बेनिफिट होता है, इसमें आपके अनुभव में क्या अंतर विशेष रूप से पड़ता है? अनुभव में अंतर, जैसे हर, जैसे बीडीएस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होती है एमडीएस करने के लिए। तो मेरा डिपार्टमेंट है मैजिलोफेसियल सर्जरी डिपार्टमेंट, ओरल सर्जरी में मैंने एमडीएस किया है। उसमें क्या होता है कि जितने भी ट्रॉमा होते हैं मुंह के, जितने भी मुंह से रिलेटेड ट्रॉमा होते हैं, चाहे पैथोलॉजी जैसे सिस्ट हुआ, ट्यूमर हुआ, फिर उसके बाद फ्रैक्चर हुआ, जबड़ा में जितना भी फ्रैक्चर हुआ, एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया, 2 भाग में हो गया, तो वो उसका उसकी उसकी मैंने अलग से डिग्री, अलग से मैंने पढ़ाई की है कि वो मैं ऑपरेशन करके, प्लेट लगा करके, वो फ्रैक्चर जो होता है उसको, बोन को मैं जोड़ देता हूँ। और वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी एक्सप्लेन आपको इतने कम टाइम में नहीं कर सकता हूँ कि हमारी पढ़ाई में मैंने क्या क्या सीखा। और डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आपकी जो डिग्री है उसका बेनिफिट आपको जहानाबाद में मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर जितने भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे तो पढ़े लिखे नहीं भी लोग हैं जो हैं, उनके बारे में नहीं, लेकिन जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग आज के डेट में गूगल करके ही डेंटिस्ट या फिर किसी भी जगह पे प्रेफर करते हैं गूगल करके। तो आज के डेट में ज़माना है कि जो ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, जो ज़्यादा जिनके पास डिग्री होगी, ये देख करके लोग आते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोग गूगल करके आते हैं कि नेट पे देख के आते हैं कि सर मैंने आपका डिग्री देखा तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ तो मैं आपके पास आया हूँ। तो ये सब देख करके गूगल आज के डेट में जो यंग जनरेशन, जाके नहीं तो फिर कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग ज़्यादा देख करके आते हैं गूगल वगैरह पे, तो वो सब देख के आते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ बेनिफिट हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो ये डॉक्टर साहब की बात में डॉक्टर रोहित राज थे, जिनसे आप साफ जान सके कि आखिर यहाँ जो है दांतों में समस्या होती है तो जहानाबाद लोग आते क्यों हैं, इनके क्लिनिक को सबसे ज़्यादा लोग क्यों पसंद करते हैं, इनके डिग्री का जो है बेनिफिट जहानाबाद के लोगों को कैसे मिलती है, क्या क्या इनके यहाँ एक्स्ट्रा जो चीज़ें बाकी के यहाँ नहीं है वो सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराई जाती है, और डॉक्टर रोहित राज जहानाबाद के कैसे लोकप्रिय डॉक्टर बने। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।